दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल नियुक्ति पत्र के संदर्भ में आप सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिरकार हम लोग जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे जो है राजस्व परिषद पर, आखिरकार उस धरने का क्या कुछ निचोड़ निकल कर आ रहा है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष जारी। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार तमाम जगहों पर नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी उनके अंदर ये प्रबल इच्छाएं हैं कि आखिरकार, आपको मैंने बताया भी था, जैसा कि लोग जगह जगह पर कहीं जो है, जैसे तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका बिहार शिक्षक भर्ती में फाइनली सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनका लेखपाल में भी जो है नियुक्ति पत्र वितरित होना था, वो बिहार से अपनी जो है नौकरी को छोड़ करके लेखपाल नियुक्ति पत्र लेने के लिए आ गए, ठीक है। वहाँ से वो रिज़ाइन वगैरह करके आ गए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो मुझे लगता है कि अपने घर पर एंटर किए होंगे, तत्काल उनके बीच में एक ऑफिशियल लेटर आता है कि अब 23 तारीख के डेट में आपका जो नियुक्ति पत्र का वितरण है वो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा उनको झटका जरूर लगा होगा, बट यहाँ देखिए कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष राम मूरत यादव जी का बयान। बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने लाइव टेलीकास्ट के रूप में जो है चैनल के माध्यम से आप सभी ने देखा कि राम मूरत यादव जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ बयान है इस नियुक्ति पत्र के संदर्भ में। और नीचे यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ा डर आप सभी को सता रहा है कि चुनाव में फंस सकता है नियुक्ति पत्र। क्या वाकई में ऐसा होगा कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो चुनाव के आड़ में फंसेगा? यहाँ नीचे कोर्ट केस अपडेट क्या है, क्या जो 22 मार्च यानी उससे पहले भी तमाम मामले की सुनवाई आपके बीच में लगी है, कल भी अभी आपकी सुनवाई है, तो ऐसे में आप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फाइनल किया गया है कि आपको 28 दिन के अंदर जितने भी मामले लेखपाल के चल रहे हैं जो है सारे मामले को रफा दफा करना है। तो आप ये कह रहे थे कि क्या जो है कोर्ट केस का मामला 22 मार्च तक हमारा समाप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देखिए, एक ऑफिशियल लेटर आपके बीच में लगा है, कल इसी चीज की सुनवाई आपके बीच में जो है कोर्ट में कराया जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं सिद्धार्थ सिंगल जी जो है। बाकी यहाँ आप इस ऑफिशियल नोटिस को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल आप ये कर रहे थे कि आखिरकार क्या 22 मार्च तक मामले का रफा दफा हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये तो तय है कि 22 मार्च तक हर हाल में आपके जो भी मामले लेखपाल पर चल रहे हैं, ठीक है, जो है जो भी मामले आपके इस लेखपाल भर्ती पर चल रहे हैं वो सारे मामले 22 मार्च तक समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। हम यहां कह रहे थे कि आखिरकार क्या 22 मार्च से पहले हम लोगों का नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो पाएगा? जी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी मामले को लेकर, ठीक है, आपके नियुक्ति पत्र पर रोक लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठता ही है कि 22 मार्च तक हमारा जो नियुक्ति पत्र का वितरण है वो हो पाना बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए जो है आपने भले ही संघर्ष किया, ठीक है, कहीं ना कहीं संघर्ष हमारा जो है वो कहीं ना कहीं वो ठीक है, क्योंकि अगर 22 मार्च तक जो है कोर्ट का आदेश है कि 22 मार्च तक मामले को समाप्त किया जाए, भाई हम लोग जो धरना किए हैं वो धरना बेहतर है, क्योंकि अगर दिमाग में ये भी रहा होगा कि 22 मार्च तक नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं इस धरने को देखने के बाद ऐसा जरूर उन्हें लगा होगा कि नहीं, अब उपद्रव ज़्यादा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि 22 मार्च तक, हालांकि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके बीच में आ चुका था, ठीक है। अब यहाँ जो लोग कह रहे थे कि चुनाव के आड़ में नियुक्ति पत्र का मामला फंसेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा, ठीक है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से रफा दफा हो चुका है, नियुक्ति पत्र का वितरण होना बाकी है, ठीक है। और यहाँ आपको जो है आप कह रहे थे कि जो है आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता भले ही लग जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका नियुक्ति पत्र आप सभी के वितरित किया जाएगा, चुनाव आयोग के इसके लिए परमिशन लिया जाएगा। हाँ, अगर हो चुनाव आयोग, वैसे 100% उम्मीद है कि परमिशन इसके लिए जरूर देगा, चूंकि मामला पहले से ही ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, राम मूरत यादव जी जो कि लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इन्होंने जब अभ्यर्थी जो है राजस्व परिषद पर
एकत्र हुए तो इन्होंने अपने मुखारबिंद से ये स्पष्ट किया कि जो नव नियुक्त अभ्यर्थी हैं या जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं लेखपाल के, उनके संघर्ष में हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है, ये अध्यक्ष जी कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे वो जमीनी स्तर का मामला हो, चाहे वो सोशल मीडिया का मामला हो, हर जगहों पर हम इन अभ्यर्थियों का साथ देंगे जब तक इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता। ठीक है, चाहे वो उनके लिए कुछ भी करना पड़े, हर तरह से इनके संरक्षण में काम आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इन्होंने ऐसा किया भी, लगातार धरना स्थल पर डटे रहे। आपने, मैंने भी लाइव आपको दिखाया था, ठीक है, कि वर्तमान की क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है। फिलहाल के लिए अगर इसके संदर्भ में इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगातार प्रयासरत हैं, ठीक है, नियुक्ति पत्र के लिए। नियुक्ति पत्र का जो भी जो है आदेश वगैरह होगा, हम चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में इन्फॉर्म जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोर्ट केस के संदर्भ में जो भी सूचनाएं होंगी, कल हम आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।